वेलकम डेटा इंटरप्रिटेशन इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। SBI PO मेन का एग्जाम बस सामने है। मेरे DI प्लेलिस्ट में डिफरेंट टाइप्स के DI सेट मौजूद हैं और आप उनका प्रैक्टिस कर चुके हैं, कर रहे हैं। इसमें कैलकुलेशंस भी हैं और उनसे निपटने का तरीका भी आपको आना चाहिए। हर तरह के एग्जाम के लिए ये बहुत सुटेबल है। इसलिए चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा PO देना हो, आगे चल करके इस साल के अंत में IBPS का एग्जाम देना हो, स्पेशलिस्ट का एग्जाम देना हो, हर एग्जाम में ये DI सेट काम ही नहीं करेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा, वो रास्ता बताता रहेगा, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू कैलकुलेट। आई ये डबल डायग्राम है। द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ सूटकेस मॉडल्स A1 एंड A2 प्रोड्यूस्ड बाय ए कंपनी इन डिफरेंट ईयर्स। मैं इस तरह से बात करूंगा कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आए। दो तरह के सूटकेस हैं, A1 और A2 नाम है, और किसी कंपनी ने उसका प्रोडक्शन अलग अलग वर्षों में किया है, 2, 4, 6 डिफरेंट ईयर्स में। उनका ये मल्टीपल बार डायग्राम है। ये जो स्केल है वाई एक्सिस पर, वो इन 1000 है, 1000 यूनिट्स हैं। सूटकेस जो प्रोड्यूस हुआ 1000 में है। जैसे 2011 में फर्स्ट वाला जो सूटकेस है A1 मॉडल जो है वो 48 यूनिट बने 1000, तो 48,000 सूटकेस का प्रोडक्शन हुआ। और सेकंड टाइप का जो मॉडल है A2 मॉडल सूटकेस का, वो 2011 में 32,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, यानी 32,000 सूटकेस बने। ये आपका मॉडल 2 के लिए है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इसी तरह से डिफरेंट ईयर्स में, जो बाकी 6 ईयर्स में से दूसरे जगह हैं, हर ईयर में दोनों मॉडल का कितना कितना 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, उत्पादित हुआ, उसका ये नंबर है। ठीक है, ये मल्टीपल बार डायग्राम के लिए। और ठीक वही लिखा हुआ है कि परसेंटेज सेल ऑफ मॉडल्स इन डिफरेंट ईयर्स, इन्हीं 6 डिफरेंट ईयर्स में परसेंटेज सेल बने, तो प्रोडक्शन तो हुआ, सेल कितना हुआ। सारे सूटकेस तो सेल नहीं हुए। कहने का मतलब कि 2011 में अगर हम बात करें तो देखेंगे कि ये जो सूटकेस ए है, ब्लू वाला लाइन, वो सूटकेस ए, इसमें 65% सेल हुआ, यानी 35% सेल नहीं रहा हुआ, वो अनसोल्ड रह गया। कहने का मतलब कि 2011 में अगर हम बात करें तो सूटकेस A1 जो है उसका प्रोडक्शन हुआ, बना 48,000, लेकिन उसमें से सिर्फ 65% ही सेल हो पाया, बाकी अनसोल्ड रहा। और सूटकेस A2 के बारे में बात करेंगे तो वो 32,000 A2 सूटकेस मॉडल बने, और उसमें 54% सेल हुए। और इसी तरह से डिफरेंट ईयर्स में सेल परसेंटेज दिया हुआ है। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों जो है, ये मल्टीपल बार डायग्राम जिसमें प्रोडक्शन को दिखाया गया है 1000 यूनिट्स में, और एक तरह से मल्टीपल लाइन डायग्राम जिसमें परसेंटेज सेल दिखाया गया है डिफरेंट 6 डिफरेंट ईयर्स में, ये आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। अब इन पर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सूटकेसेस ऑफ मॉडल A1 एंड A2 कलेक्टिवली सोल्ड इन द ईयर 2011। कैलकुलेशन का खूब इस्तेमाल है। कितना कैलकुलेशन पर आपका कमांड है, कैलकुलेशन मैं करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो कैसे किया गया। 2011 में दोनों तरह के जो सूटकेस बने, सूटकेस सेल हुए, उनका नंबर बताइए। ये सूटकेस A1 कितना सेल हुआ, सूटकेस A2 कितना सेल हुआ, और दोनों का सम बताइए। तो आइए, 2011 में 48,000, हम लोग 48 रहने देते हैं, जो आएगा उसको बाद में 1000 बोल देंगे। तो 48,000 सूटकेस बने, और
और मैं पहले शॉर्ट में करूंगा फिर डिटेल बताऊंगा, समझ लीजिए। एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, जो प्री पास किए हैं और जो मेन दर है उनको ये आना चाहिए, इसलिए मैं शॉर्ट में करूंगा, क्योंकि वो प्री पास किए हैं, सब कुछ कर उनको आता है। 48 का 65% ये बोल रहा है, कैसे निकालें 48 का 65%। एक तरीका सुनिए, मैं बताता हूं। 65% ऑफ 40, अरे नहीं, 130% ऑफ 24, यस, 100% तो 24 होता है ना, और 30% 24 का मतलब 10% 2.4, 7.2, 31.2। मैं बताऊंगा करके, डिटेल बताऊंगा, पहले करने दीजिए, अभी उनको एग्जाम देना है, एसबीआई पीओ मेन वाले को एग्जाम देना है, तो एग्जामिनेशन में उनका परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए, एग्जाम में उनको कैसे करना चाहिए, उस ख्याल से मैं बात कर रहा हूं। और सेकंड शूट के 54% ऑफ 32, 50% तो 16 होता है ना जी, 4% ऐसे रख देते हैं, 32 का डबल 64 का डबल 128888888, ये हुआ 48,480, ये आंसर हुआ एग्जाम में, यही परफॉर्मेंस होना चाहिए आपका। अब इस एपिसोड को सारे ही लोग देख रहे होंगे, कोई स्टार्ट भी कर रहे होंगे, किन्हीं का पहला एपिसोड भी होगा, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि परसेंटेज और दूसरे चैप्टर्स जो हैं बेसिक कैलकुलेशन वगैरह वो देख लें, लेकिन ठीक है देखेंगे, उससे क्या हुआ, आज भी उनको समझ में आना चाहिए, अभी भी समझ में आना चाहिए। सुनिए, फर्स्ट वाला क्या था, 65% ऑफ 48 था ना, 65% ऑफ 48 को हम चाहते हैं 130% ऑफ 24 लिखना। आप में से कोई पूछ सकते हैं कैसे लिखे भाई, इसका यही ना मतलब होता है, क्यों हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और क्यों हम इसे 130 करके 130% ऑफ 24 नहीं लिख सकते हैं 100%। अरे 24 को तो हम बोलते ही 100%, तो 2.4 को क्या 10% ना बोलेंगे, तो 100% 24 वही तो लिखा ना, और 10% 2.4 है, तो 30% क्या 7.2 ना होगा, 7.2 30% ना होगा, तो क्या 130% हम लोग 31.2 को ना कहेंगे, ठीक। और उसी समय हम लोग बात कर रहे थे कि सूटकेस बी जो है वो 54% ऑफ 32 है, 54% ऑफ 32 निकालना है ना, अरे 50% तो हाफ होता है 16 लिख देते हैं ना, ये ना है 50%, इसे लिख देते हैं ना, बाकी रहा 4%, क्या 4%, 10% 32 है, तो उसका डबल 64 का डबल 128 क्या ना है 1.28, This is 4%, add कर दिया तो 54%, और इन दोनों को add किया, और बाद में हम लोग जब decimal में आया 48.48,000, तब हमने फिर इसे 0 दिया और 1000 के रूप में लिखा। मेरे ख्याल से ये calculation सबको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं second question की ओर। इसी तरह से सब कुछ explain करेंगे, क्योंकि इस पूरे दौर में मुझे महसूस हुआ है कि नए नए जितने स्टूडेंट्स हैं सभी जुड़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ लगातार देख रहे हैं, तो उन्हें भी तो समझ में आना चाहिए ना, मेन एग्जाम के लिए है तो क्या हुआ। आइए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड सूटकेसेस ऑफ मॉडल A2 इन द ईयर 2012 टू द टोटल नंबर ऑफ सूटकेसेस प्रोड्यूस्ड ऑफ मॉडल A2 इन 2013। हर जगह अलर्ट रहिएगा, A1 न A2 क्या, 2012 न 13 क्या, प्रोड्यूस्ड न सेल क्या, रहे प्रोड्यूस्ड और देखने लगे सेल में, रहे सेल परसेंटेज सेल, देखने लगे प्रोडक्शन में,
रहे A1 देखने लगे A2, रहे 12 देखने लगे 14। ये जगह है जहां पर गलती होगी, बी अलर्ट। बड़े इधर रेशियो जब भी निकालना रहता है ना, एक इधर एक उधर, जिनके बीच रेशियो निकालना है, और रेशियो जब निकालना है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, बचते हैं मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि फैक्टराइज रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड, ये तो सोल्ड है ना, अनसोल्ड सूटकेस ऑफ मॉडल A2, सूटकेस ऑफ मॉडल A2 इन द ईयर 2012 में A2 पहले तो 60,000 है, 60 रहने दीजिए ना, 1000 ठीक है, 60,000 है ठीक है, और उसका 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 अनसोल्ड कितना हुआ, तो 2012 में, 12 में ये A2 की चर्चा है, तो सोल्ड हुआ 57, तो अनसोल्ड हुआ 43% ऑफ 60,000। ओके, कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, वेट हाँ, टू इसका अनुपात निकालना है, रेशियो किसके साथ इसका रेशियो किसके साथ, तो टू द नंबर, टोटल नंबर ऑफ सूटकेसेस प्रोड्यूस्ड ऑफ मॉडल A2 इन 2013 A2 36 100% of 36,000 is cancelled. परसेंट कैंसर, 12 से काटिए 3 जा, 12 से 5 जा, 5 से 20, यस 43 is to 60 आंसर। आप बोलेंगे कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, ये 100% कहां से आ गया भाई, कहीं से नहीं आया, मेरे पास 36 रुपीज है, मैं 50% सेल कर दूं तो 18 सेल किया ना, और 100% सेल कर दूं तो 36 सेल किया ना, तो 100% लिखना पड़ेगा ना, जो कि यहां भी परसेंट है, अभी भी समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया तो छोड़ दीजिए, 43% ऑफ 60 इज इक्वल टू, आप बोलेगा हम 36 क्यों ना लिखेंगे, हम 100% क्यों लिखेंगे, तो बोलेंगे ठीक है लिखिए, मत लिखिए, वो ऐसे ही लिखिए, यहां पर परसेंट लिखे थे तो परसेंट कैंसिल हो गया था, यहां आपको परसेंट लिखना पड़ेगा, 12 से 3 टाइम्स, 12 से 5 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, 20 से 60, लेकिन ये लिखने का अपना फायदा है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, तो समझ में आया होगा, आगे बढ़ो। तो इसका आंसर हो गया थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स इज द परसेंटेज राइज और फॉल, जो चाहे जो भी हुआ, इन द प्रोडक्शन ऑफ मॉडल A1 द मिनिमम एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अक्सर ही एक ऐसा क्वेश्चन रहता है, और ये क्वेश्चन डिसाइड करता है वेदर यू आर कैपेबल और नॉट, एग्जाम पास करने के लिए आप सक्षम हैं कि नहीं, क्योंकि किसी को आता है और किसी को नहीं आता है, दोनों के बीच ये बड़ा गैप पैदा करता है, टाइम भी लग जाएगा, सही भी नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, सेल की बात हो रही है ना प्रोडक्शन की बात हो रही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स इज द परसेंटेज राइज और फॉल इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की बात हो रही है सेल की नहीं। अब प्रोडक्शन में किस कंपनी की बात हो रही है, A1, ओके फर्स्ट वाला A1, ओके क्या कह रहा है उसमें, क्या कह रहा है, प्रोडक्शन में राइज एंड फॉल, परसेंटेज राइज एंड फॉल। सुनिए, जैसे फर्स्ट ईयर तो राइज एंड फॉल होगा नहीं, सेकंड ईयर 54 जो है ना, 48 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 48, दैट इज द परसेंट राइज ऑफ A1 सूटकेस इन 2012 विद रिस्पेक्ट टू 2011, मीनिंग समझे, 2012 में अगर 54,000 यूनिट सेल हुआ, 2011 में 48,000 यूनिट सेल हुआ, तो 48 से 54 कितना बढ़ा, 6, 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 48, ये जो निकालेंगे वो जो आएगा वो होगा 2012 में परसेंट राइज सूटकेस ए में, उसके प्रोडक्शन में, और उसी तरह से इसमें फॉल होगा, 54 से 40 फॉल हुआ,
तो कितना परसेंट फॉल हुआ? सबसे पहले देखिए 14 फॉल हुआ, 14 इज व्हाट परसेंट ऑफ 54, निकालेंगे 14 बाय 54 इनटू 100, फिर 40 से 48 हुआ, तो 8 इंक्रीज हुआ, 8 बाय 40 इनटू 100, और इसी तरह से 76 48 से कितना ज्यादा बढ़ा, इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 28 बाय 48 इनटू 100, और इसी तरह से इसको भी करेंगे और बढ़िया से निकाल लेंगे, और इसमें जो सबसे कम होगा, पूछा है मिनिमम क्या है, वो वाला आंसर होगा, उसमें टिक लगा देंगे और एग्जाम ओवर हो जाएगा। बस यही एक क्वेश्चन बनेगा और नहीं बनेगा। जिसका परसेंटेज निकालना है राइज और फॉल मिनिमम होना चाहिए, तो उस नंबर को मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम परसेंटेज के लिए बेस को बड़ा होना चाहिए। बड़े बेस में वैल्यू का परसेंटेज घट जाता है। 50 रुपया 25 रुपया का तो 200% है, लेकिन 100 रुपये का तो 50% है। बेस बढ़ गया, परसेंटेज घट गया ना। हमको मिनिमम चाहिए, बेस को बड़ा होना चाहिए, तो ना मिनिमम होगा। पहली बात यह है कि जो चेंजेस हो रहे हैं दैट शुड बी मिनिमम, तो आप उस आधार पर तुरंत छांट लेंगे। कैलकुलेशन करना भी है तो दो में करेंगे, 5-5 कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 48 से 54 6 हुआ ना, और 54 से 40 जो डाउन है वो 14 है, बहुत बड़ा गैप है, छोड़ दीजिए, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा परसेंटेज। 40 से 48 हाँ ये थोड़ा कम है, ये 8 है और 6 है, ये दोनों नजदीक है, इसमें देखेंगे बेस वगैरह मैटर करेगा। लेकिन 48 से 76 बहुत ज्यादा है, और 76 से 51 भी डाउन हुआ बहुत ज्यादा है, ये सबका सवाल नहीं उठता। 2013 का सवाल नहीं उठता, 2015 और 16 का सवाल नहीं उठता। आंसर या तो होना है तो 2012 में होगा या फिर 2014 में होगा। क्या होगा, तरह तरह से निकाल सकते हैं, मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पर ये जो चीजें हैं ना सीखने लायक है। पहले तो मैं सही तरीका बोलता हूं जिससे कि पहले आंसर हो जाए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में मुझे जो दिखाई देता है वो दिखाई ये देता है कि भाई 6 बड़ा ना, 6 तो दिखता है ना, 6 क्या है, 1/8 है, 12.5%, 12.5%, और ये वाला कितना, 8 बड़ा था, 1/5, 20%, मिनिमम 2011 आंसर, 2012 आंसर, 12 में पिछले साल की तुलना में मिनिमम हुआ है, ये 12.5% और ये 20%, बाकी सब ज्यादा है। तो 12.5% 2012, दिस इज आंसर। नहीं समझे, अरे 48 से 6 54 हुआ ना, 6 बड़ा ना, 1/8 बड़ा ना, 1/8 हम लोग जानते नहीं है क्या 12.5% होता है। 40 से 48 हुआ तो क्या हुआ, 8 बढ़ाना, 8 1/6 होता है, देखिए 8, अच्छा 40 से 48 हुआ, 8 बढ़ाना, 8 1/5 बढ़ाना, 20% बढ़ाना, बोलिए बोलिए बोलिए, 8 जो बढ़ा 40 से इंक्रीज हुआ ना, 8 1/5 20% ज्यादा है ना, बाकी कोने का सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, 2012, ठीक है। और भी तरह से कंपैरिजन होता है, अगर उन दोनों का सवाल हो तो ये मैं बताता हूं। पहले में कितना इंक्रीज हुआ, 8, और ये 48, और दूसरे में इंक्रीज हुआ, पहले में 6 और इधर 48 से, और दूसरे में 8 40 से। इसको जहां तक संभव है मिनिमम बना लीजिए, इसको बना लीजिए, तो हम लोग जानते ही है, नहीं तो हम लोग फट से बोलते 5 इधर 8 इधर 5 इधर 8 इधर, दिस इज मिनिमम, सो दिस इज मिनिमम आंसर। फ्रैक्शनल जो हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग को चेक करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो ये समझ गए, इसके बाद हमारा अगला सवाल, फोर्थ नंबर देखिए। What is the approximate percentage rise in the sell of model A2 from year 2013 to 14? देखिए, be alert. What is the approximate है? उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, लगभग में निकालना है। Percentage rise in the sell. Sell मतलब यहाँ, वहाँ नहीं, यहाँ. Sell of model A2. Model A2. 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 मतलब black वाला. A2. From the year 13 to 14, लेकिन दोनों का संबंध है क्योंकि उसकी उसके नंबर में बात हो रही है, और पूछ रहा है what is approximate percentage rise। अरे हम लोग हमेशा fraction निकालते हैं, ratio निकालते हैं। 2000 सुनिए 2013 में कितना था? 2013 में 82 मतलब ब्लैक वाला 72% of 36
ये 2013 में था, बेस रखते हैं 72% ऑफ 36, यहां लिखते हैं। ये था कब, 13 में, और 14 में कितना हो गया, 14 में A2 का ही, 14 में A2 का ही 62%, 14 में देखिए 14 में 54, मतलब 62% ऑफ 54, रुक जाइए, 2013 में और 2014 में, जरा गौर कीजिए, 2013 में अगर हम इसका निकाल ले जाएं 72% ऑफ 36,000, तो जो निकलेगा इतना 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 सेल हो रहा था, और 2014 में 62% ऑफ 54 जो निकालेंगे उतना सेल हो रहा था। इसका वैल्यू निकाल लें, कितना ज्यादा निकाल लें, इनटू 100 कर दें और परसेंटेज निकल जाए और एग्जाम ही खत्म हो जाए। अरे रेशियो चाहिए, परसेंटेज नहीं निकालेंगे वैसे, परसेंटेज रेशियो चाहिए, 18 जा 18 जा 3 और यहां से 2 ले लीजिए 6, 12 जा, परसेंटेज खाता। आप क्या देख रहे हैं 31 और यहां पर क्या देख रहे हैं 24, 31 जो है 24 से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है पहले ये बोलते हैं ना, कितना ज्यादा है, रुकिए ना ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ये इक्वल नहीं है, मतलब हमको मोर का परसेंटेज निकालना, अधिक का ना, 31 जो है 24 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है, तो ज्यादा का परसेंटेज निकालते हैं, 10% कितना 24, 30% कितना हुआ 72 से 72 कम है, 2 मतलब 1% कम है, 29% है आंसर है, नहीं समझे, 70 को क्या कहते हैं, अरे भाई 240 को 100% कहते हैं, 24 को हम लोग 10% कहते हैं, तो 72 होगा तो 30% बोलेंगे, 1% 2.4 होता है, 72 से 2.4 करीब करीब 2 लेस है, 2 लेस है तो 29% ना हुआ क्या, बताइए 29% ना हुआ क्या, समझ में आया, 29% आंसर, मेरे ख्याल से ये समूह को समझ में आ गया होगा। और अब ये लास्ट सवाल देखिए, लास्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सूटकेसेस ऑफ मॉडल A1 सोल्ड ओवर ऑल द 6 इयर्स टुगेदर, इसमें तो कैलकुलेशन है, अगर आप के पास समय नहीं है, कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, दूसरे क्वेश्चन में समय देना चाहते हैं तो ठीक है, फिफ्थ नंबर छोड़ दीजिए और ये 4 बना दीजिए, लेकिन ये भी सही है कि ये क्वेश्चन तो हमें आता है, थोड़ा सा टाइम लगना है, ढंग से कैलकुलेशन कीजिए ना तो जल्दी हो जाएगा। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, A1 पहला वाला फर्स्ट सूटकेस, सभी 6 वर्षों में जितना सेल हुआ बताइए, कहने का मतलब फर्स्ट वाला 48 है ना, उसका हम लोग 65% निकाल लें, इसमें निकालना है और फिर ऐड करते हैं, ढंग से निकालते हैं, आइए देखिए कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है 65% ऑफ 48, इसको हमने कहा 130% ऑफ 24 30% 24 का 7.2, 31.2, ये हमने कहा, इसी को हम लोग क्या करते हैं, सावधानी से 7.2 को यहां रख देते हैं, होल नंबर पार्ट इधर रखते हैं और डेसिमल पार्ट को इधर रखते जाते हैं, वो भी 7.2 आता है ना, तो अच्छा रहेगा ना कि इसको 31 बना लेते हैं, 0.2 को इधर रखते हैं ना, प्लस माइनस करेंगे दूसरी जगह पर। सेकंड में आइए, 52% ऑफ 54 निकालना है, तो 50% कितना होगा 27, ठीक है 27, और 2% कितना होगा 1.08, प्लस तो है, लिखने की जरूरत नहीं, ये सब का कैलकुलेशन बाद में करेंगे ना, अच्छा रहेगा, बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है लिखते चले जाते हैं, जैसे 0.2 अच्छा लग रहा है तो 0.2 यहां लिख देते हैं, ठीक रहेगा। थर्ड देखिए, 67% ऑफ 2013 में 40, अरे 40% ऑफ 67, 10% कितना होता है 6.7, 6 मान लीजिए 24 और 0.7 मान लीजिए 2.8, या 67 का डबल
134 का डबल 268 268 268। और बोले हाँ, जब ऐसा आया तो बोले अरे क्या जरूरी है, 0.8 है ना, इसको यहां दे देते हैं अच्छा रहेगा, 26.8 है ना, 8.8 यहां दे देते हैं तो ये कितना बढ़िया 2 बन जाएगा और 0 बन जाएगा, इसको बढ़िया बना देते हैं ना, ठीक है, अलग अलग रखते हैं। फोर्थ, 56% ऑफ 48, 56% ऑफ 48, बोलते हैं 48% ऑफ 56, 50% तो होता ही है ना, 28, 50% 28, और 2% 1.08 को लेस कर देंगे, बस बस बस, मुझे तो मन कर रहा है कि ये 2 जो आया ना इसे इसको दे दें और इसको 30 बना दें, थोड़ा सुंदर सुंदर नंबर बन जाएगा ना। लेकिन अब क्या हुआ पहले मुझे नहीं मालूम भाई, क्योंकि मैं ऑपरेट करता चला गया हूं, ठीक है। अब 2015, 78% ऑफ 76, ये कैसे निकालेंगे ये बताइए, ये बताइए। दो तरीका है, एक 77 का स्क्वायर माइनस 1, 77 प्लस 1, 77 माइनस 1, 77 का स्क्वायर माइनस 1 और 2 प्लसेस के बाद डेसिमल, एक तरीका। दूसरी बात है कि 76 को 78 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, बेसिक कैलकुलेशन में मैंने बात किया था, 8 6 जब बोले ना 48, 7 इज टेकन एज कॉमन, 8 प्लस 6 14 7 जा 98 एंड 4 102, 10, 49 and 10, 59, ऐसे ये कर सकते हैं और 2 प्लसेस के बाद डेसिमल। जब ऐसा आया 59 पॉइंट ये, तो हम लोग तो 59 यहां लिखते हैं, 0.28 नहीं यहां लिखेंगे, 0.28 नहीं यहां लिखेंगे, ठीक है। और 77 स्क्वायर माइनस 1 करके भी कर सकते हैं। लास्ट वाला 48% ऑफ 51, 48% ऑफ 51 तो बोलते हैं, या 51% ऑफ 48 बोलते हैं, तो 50% तो हाफ होगा ना 24, और 1% क्या होगा 0.48, बोलिए यही है हमारा, इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मन करता है ये देखिए, ये 8 और ये 8 हटा देते हैं, 1 को लेस करना है, कहीं भी लेस कर सकते हैं, 1 को लेस करना है, 1 को यहां से लेस कर देते हैं, उसके बाद ये होता है 0.72, इसका काम हो गया। और इसे ऐड करना है, इसे किस तरह से ऐड करें बताइए, कहां पर कौन सुटेबल है। देखिए 26 एंड 24, ये 50 होता है कि नहीं, ये जब 50 हुआ तो इस 50 को ले लिए तो 100 हुआ कि नहीं, बोलिए 100 हुआ, और ये 30 30 60 और 20 80, तो 80 और 100 180 एंड 180 एंड 9 एंड 7 16 196 196.72 थाउजेंड। अब इसी को हमने ऐसे कर दिया, थाउजेंड था ना, 196,720, 196,720, this is the answer। अगर आपका कैलकुलेशन पर कमांड है तो ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है क्वेश्चन, इसे भी छोड़ने की जरूरत नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ओके, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को बनाने से 2-3 बार आप देखिएगा और इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको अपनी तैयारी में विश्वास पैदा होगा, बल मिलेगा और आपकी तैयारी जोर से आगे बढ़ेगी। ओके, ऑल द बेस्ट।